नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, स्वामी विवेकानंद विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में पार्ट 1 का असाइनमेंट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पार्ट 1 का नाम तेरी है जमी, जो प्रार्थना गीत है, यानी कि वह कविता है, प्रार्थना गीत है, ठीक है। तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। तो इस सारे प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है ताकि जब आप असाइनमेंट लिखें तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है और उसके 4 जवाब हैं, 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से जो सही जवाब है, सही विकल्प है, वो आपको यहाँ उसका जो क्रम नंबर है बॉक्स में लिखना है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, कवि किसे बड़ा मेहरबा कहते हैं, मनुष्य को, ईश्वर को, ज्ञानी को या गुरु को? तो हमारा आंसर आता है ईश्वर को, तो आपको यहाँ पर लिखना है ए। हम किसकी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, मालिक की, दाता की, परम शक्ति की या सेठ की? तो हम इस दुनिया में मालिक की मर्जी से आए हैं, तो हमारा जवाब आता है ए, तो आपको बॉक्स में ए लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है, कवि ईश्वर को हम पर क्या रखने के लिए विनती करते हैं, कवि ईश्वर को हम पर क्या रखने के लिए विनती करते हैं? प्रेम, विश्वास, अविश्वास या नज़र? तो हमारा जवाब यहाँ पर आता है नज़र, तो हमारा जवाब यहाँ पर आएगा डी। ईश्वर चाहे तो क्या टाल सकता है, प्रश्न है 4, ईश्वर चाहे तो क्या टाल सकता है? कपट, आफत, दुख, दर्द या दुविधा? तो जवाब आएगा आफत, तो हमें यहाँ पर लिखना है बी। कवि ईश्वर को कैसा मानते हैं, कवि ईश्वर को कैसा मानते हैं? बड़े प्रेमी, बड़ी ताकत वाले, बड़े नाम वाले या बड़े भावुक? तो आंसर आता है बड़ी ताकत वाले, जवाब होगा बी, यहाँ पर हमें क्रम नंबर बी लिख रहा है। चलो उसी तरीके से प्रश्न नंबर 2 ए, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको एक एक वाक्य में लिखने हैं। कवि ईश्वर को क्या करने को कहते हैं, कवि ईश्वर को बख्शीश करने के लिए कहते हैं। ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है, ईश्वर की कृपा से हमें जिस्म और जान मिले हैं। ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है, ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। चलो प्रश्न नंबर 3 है, शब्द के विरोधी शब्द लिखिए। बड़ा तो होता है छोटा, आगे तो होगा पीछे। समानार्थी शब्द दीजिए, रहमत तो कृपा, दयालु तो होगा मेहरबान, बख्शीश तो होगा उपहार, मालिक और ईश्वर। शब्द के विरोधार्थी शब्द लिखिए, आसमान तो होगा मालिक, सॉरी आसमान तो होगा जमीन और मालिक तो होगा नौकर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, तो यहाँ पर क्यों मानते हैं वो भी हमें लिखना है। तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, ईश्वर हमारे जीवन में आने वाली हर आफत को दूर कर सकता है, ईश्वर की इच्छा से ही हमें यह जीवन मिला है, ईश्वर जब तक चाहेंगे तब तक ही हम इस दुनिया में रह सकते हैं, इसलिए कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। यह प्रार्थना छात्रों को टैप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका मैं समूह गान करवाइए। बच्चों तो यह जो है, यह जो प्रार्थना है, द बर्निंग ट्रेन नाम की एक मूवी है, बॉलीवुड मूवी है, बराबर। तो आपको यह मूवी आप देख सकते हैं या आप सर्च करके यह जो प्रार्थना गीत है उसे आप सुन भी सकते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं, तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अपने अपने पूजा स्थानों में जाते हैं, जैसे कि हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने पूजा स्थान में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं।
आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। हम सभी ईश्वर की मर्जी से ही इस दुनिया में आए हैं। हमारा जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर के हाथों में है। रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है कि रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। कवि ईश्वर को खाली जगह करने के लिए कहते हैं, तो बख्शीश। कवि ईश्वर को बख्शीश करने के लिए कहते हैं। कवि ईश्वर को सबसे बड़ी खाली जगह कहते हैं, तो कवि ईश्वर को सबसे बड़ी ताकत वाला कहते हैं। हम सभी ने ईश्वर की खाली जगह से ये जिस्म और जान पाए हैं, तो रहमत। तो हम सभी ने ईश्वर की रहमत से ये जिस्म और जान पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनको शब्दकोश में के क्रम में लिखने के लिए, हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूध, स्वर और धरा। तो इसको आपको सही क्रम में लिखना है। तो उज्ज्वल और क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र और योद्धा। निम्नलिखित विधान के सामने सही और गलत का चिन्ह कीजिए। आपको कुछ प्रश्न वाक्य दिए हैं, तो सही है या गलत वो आपको लिखना है। मनुष्य चाहे तो हर आफत को टाल सकता है। तो आपने क्या इस कविता में यह पढ़ा है कि मनुष्य चाहे तो हर आफत को टाल सकता है? नहीं, यह वाक्य गलत है। जमीन और आसमान मनुष्य के हैं? नहीं, वह तो पर्यावरण के हिस्से में आते हैं। और ये बनाया किसने है? ईश्वर ने बनाया, इसलिए जमीन और आसमान मनुष्य के नहीं हैं। खुदा हम सभी का है, सही? हाँ, यह वाक्य सही है। निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए, यानी कि वचन एक वचन या दो वचन या बहुवचन में होता है, ठीक है? चलिए, तो दरवाजे, तो दरवाजा, अगर वो बहुवचन में तो आपको एक वचन करना है, अगर एक वचन है तो बहुवचन में करना है। दरवाजे तो दरवाजा, सड़कें तो सड़क, नदी नदियाँ, कौवा तो कौवे। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग कीजिए, बराबर? तो यहाँ पर प्रत्यय हमें ढूंढ कर अलग करना है। सुनकर, इसमें आता है कर। पढ़ाई, तो इसमें है आ ई। उसके बाद है लड़ाई, तो उसके अंदर आता है आई। और दूसरा है चचेरा, तो उसके अंदर आएगा एरा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर आज का जो वीडियो है यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।